अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, कैसी है यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज की वीडियो है हमारी अमाना मॉल पे। जी हाँ, बच्चों की समर वेकेशन चल रही है, तो बच्चों ने फिर कहा कि हमें ट्रैम्पोलाइन पार्क जाना है, वो जो कि अमाना मॉल में है, बाउंस एरिया। तो ये देखें, ये बाबा के साथ हम लोगों ने पार्किंग में अपनी कार पार्क की और उसके बाद हम लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जा रहे हैं। तो एंट्रेंस है ये अमाना मॉल की। बेसमेंट से आप लिफ्ट में भी जा सकते हैं और दूसरी स्टेयर्स भी हैं। तो हम लिफ्ट वाली साइड पे गए, लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। बच्चे सोच रहे थे कि अंदर रश ना हो, क्योंकि मुहिब का था कि अंदर रश ना हो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम हम जब पीर पे गए थे तो बिल्कुल वहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा रश था। तो आज मोहिब का प्लान था कि प्लीज़ पापा आज रश ना हो, मामा आज रश ना हो वहाँ पे। तो जैसे हम अंदर गए तो आप देख रहे हैं ये ऊपर बिल्कुल खाली था, इतना ज़्यादा रश नहीं था। ईद के बाद हम काफ़ी अरसे बाद अब गए हैं वहाँ पर। अच्छा जी, ये हम इस फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ पे ये होगा कि मोहित सबसे पहले एक कार्ड लेगा, जो इनका अपना कार्ड होता है मैजिक प्लैनेट वालों का, इसको टॉप अप करवाना पड़ता है। आप ईच पर्सन 400 रुपीज़ है एंट्री के। तो मोहित, रहमा और इनके बाबा अंदर जाएंगे, क्योंकि मुझे इतना शौक़ नहीं है जंपिंग वगैरह का और मैं इन चीज़ों के लिए ज़रा दूर दूर ही रहती हूँ। तो इनके बाबा चले जाते होते हैं, क्योंकि ये होता है कि चोट वगैरह ना लग जाए। वैसे तो अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है कि चोट लग जाए, लेकिन फिर ये होता है कि जंपिंग करते करते ही बच्चे एक दूसरे के ऊपर ना गिर जाएं। तो फिर इनके बाबा बच्चों के साथ जाते होते हैं। अब मोहिब ने अपना कार्ड ले लिया और ये कैशियर जो है मोहिब को चेंज देगा। तो मोहिब की कोशिश होगी मुझे चेंज पूरा मिला है, ये नहीं बाबा से भी कहेगा बाबा आप चेंज चेक करें कि मुझे ये पैसे पूरे मिले हैं कि नहीं मिले। बाबा कहेंगे ठीक है चले कोई बात नहीं। और रहमा साथ में एंजॉय कर रही है कि नहीं अब हमें कार मिल गया हम लोग अंदर जाएंगे। तो फिर ये है कि पानी वगैरह मैंने इनका पकड़ लिया था साथ, क्योंकि ये जैसे जंपिंग करते हैं इनको प्यास बहुत लगती है, तो मैंने कहा पानी साथ ही ले लूं। अंदर जैसे एंटर होते हैं तो आपको एक तरह से वो बैंड पहना देते हैं पिंक कलर का, जो मतलब हाथ में कि आपकी एंट्री इसी के थ्रू होगी, और साथ में सॉक्स आपको देते हैं। तो रहमा मुझे कहती है मामा मैं खुद ही सॉक्स पहन लूँ। मैंने कहा बेटा मैं आपको पहना देती हूँ, आप सॉक्स आप पहने दो। मोहित तो खुद ही पहन लेगा, लेकिन रहमा से पहनी नहीं जाएंगी, लेकिन मुझे ही पहनानी पड़ेंगी सॉक्स। और ये बच्चों ने काफ़ी जंपिंग करना शुरू कर दिया, एंजॉय करना शुरू कर दिया। आप भी देख रहे होंगे वीडियो में, मैंने थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप लोग बोर ना हो। प्लीज़ उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, और प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखा करें, ठीक है, क्योंकि आई एम अ न्यू सब्सक्राइब। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और इस वीडियो में बच्चों के लिए सारा कुछ है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए और आप सबके लिए कर रही हूँ। और बच्चे खेल रहे थे ट्रैम्पोलाइन पार्क में, तो मैंने सोचा कि मैं $1 शॉप का चक्कर लगाऊं मॉल में, क्योंकि फिर मैंने भी तो कुछ करना था, मैंने भी तो कुछ लेना था। लेकिन ऐसा सच मैंने कुछ लिया तो नहीं है, मैंने फिर विंडो शॉपिंग ही करनी थी। तो मैंने कहा चलो मॉल का चक्कर लगाते हैं जब तक बच्चे खेल रहे हैं।
अच्छा बच्चों को वहाँ पे छोड़ के मैं ज़रा बाहर निकल आई, तो मुझे सब बाहर ही सामने $1 शॉप थी, वहाँ पे हर चीज़ 190 रुपीज़ की होती है, मतलब आप कोई भी चीज़ लेंगे 190 रुपीज़ की। तो अभी मैंने वहाँ से कुछ ऐसा कुछ भी नहीं लिया था, जस्ट मैंने वहाँ पे विंडो शॉपिंग स्टार्ट ही की थी, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो और मुझे एक छोटा सा बेबी बैग नज़र आया था, मैंने रहमा के लिए वो ले लिया पाउच सा, और ये आपको सामने परफ्यूम्स लगे हुए नज़र आ रहे हैं, जो भी परफ्यूम लेंगे वो 190 रुपीज़ का है, बॉडी स्प्रे, टॉयज़, प्लास्टिक की चीज़ें थी और क्रॉकरी थी, ज्वेलरी थी। इसके बाद मैंने विंडो शॉपिंग करके, अब बच्चों ने कहा कि मामा बस, हम लोगों ने बस कर दिया, काफ़ी खेल लिया था इन्होंने, अभी तो मैंने मॉल पूरा विज़िट भी नहीं किया था। तो फिर बच्चे ये ऊपर वाले फ्लोर में आ गए हैं, नेक्स्ट फ्लोर। अब बच्चों को भूख लगना शुरू हो गई है और मोहिब की यही रिक्वेस्ट थी, मामा मुझे फ्राइज़ लेने हैं, रहमा भी मुझे फ़्राइज़ खाने हैं, क्योंकि ना इन लोगों ने एक घंटा जंपिंग की थी और बस हम लोगों ने फ्राइज़ वगैरह लिए और घर की तरफ निकल पड़े। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक माय वीडियो और देखना ज़रूर अंत तक। अल्लाह हाफ़िज़।